श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियाली कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। हम कक्षा 9 विषय गणित के गणित में बहुपद प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। इसमें जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। पहला है आपका x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पहला है। दूसरा है x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दूसरा है। तीसरा फिर है x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तीसरा है। चौथा आपका यह है x पावर 3 माइनस x स्क्वायर फिर माइनस इन ब्रैकेट कोष्टक में है 2 प्लस अंडर रूट 2 बाहर x है प्लस का अंडर रूट 2। इसमें आपको यह बताना है कि बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। अगर गुणनखंड है बच्चों तो उसका शेषफल आपका क्या आएगा, 0 आएगा, समझ रहे हैं ना। तो बहुपद तो हल में हल 1, ठीक है, पहला प्रश्न है। तो बहुपद क्या है, पहले मतलब पहले ले लेते हैं। मान लो ये पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह ठीक है। गुणनखंड एक्स प्लस 1 है कि नहीं है ये बताना है। तो अगर गुणनखंड होगा तो इसका जो है मान रखने पर शेषफल 0 हो जाएगा, तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो क्या है इसका, देखो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 कह देंगे तो एक्स बराबर माइनस 1 पक्षांतर कर दिए, यह एक्स प्लस 1 माइनस 1 एक शून्यक है। अगर शून्यक है तो पी माइनस 1 रखने पर इसका शेषफल 0 होना चाहिए। तो जहाँ x था बहुपद में वहीं माइनस 1 लिख रहे हैं जो कि x प्लस 1 से निकाले हैं, तो यह हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस बड़े माइनस माइनस हो गया प्लस है, लास्ट में माइनस प्लस माइनस प्लस 0, ठीक है। अगर शेषफल 0 है तो यह जो है इसका एक गुणनखंड है। अतः एक्स प्लस 1 बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। अगर शेषफल नहीं 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। तो इसमें से पहले कतेक गुणनखंड है, इसी आधार पर आप सबको चेक कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे अगर दूसरा करेंगे तो पहले बहुपद का गुणनखंड है, एक का बताना, देख रहे हो ना। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, बहुपद कट हैं, 4 दिया गया, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसी में से एक का गुणनखंड, बकिया का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब नहीं होगा, जब शेषफल क्या होगा, 0 नहीं होगा। जैसा कि दूसरा का दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, चेक करके बता दे रहे हैं।
दूसरे में आ जाओ, इसको दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये ठीक है, पी एक्स बराबर ये लेंगे, बहुपद ये लेंगे, एक्स के पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, शून्य कोई है उसी को चेक करना है। तो ये जो एक्स माइनस वन बहुपद में रखने पर तो p माइनस वन बराबर माइनस वन का वन पावर फोर प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस वन प्लस वन, तो माइनस एक पावर फोर तो यह हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, यह तीन बार करेंगे तो माइनस वन हो गया, यह प्लस वन हो जाएगा इस बार करेंगे तो, फिर माइनस वन प्लस वन, माई प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, क्या बचा, एक बच गया, ठीक है, बराबर एक आ गया। इसका मतलब एक्स प्लस वन शेषफल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब तो उसका गुणनखंड है। इस तरह से लिख देंगे एक्स प्लस वन बहुपद, बहुपद एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो इसी इसमें सिर्फ एक था, ये पहला जो है बहुपद इसी का गुणनखंड और गुणनखंड नहीं है। इस तरह से बच्चों पहली सवाल है आपकी, सवाल नंबर दो, दूसरे में आ जाइए, दिया है नंबर दो, दो में दिया गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स कामा पी एक्स का एक गुणनखंड है, या नहीं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1 कामा जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। दूसरा है
पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स बराबर दिया एक्स प्लस 2। तीसरा प्रश्न है आपका पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स बराबर दिया एक्स माइनस तीन। बच्चों एक बता रहे हैं और देखो यह है क्या है जी एक्स भाग देना है तो यही जो है जी एक्स पहला हल बता रहे हैं। इसके बाद आप कर लेंगे 2 का पहला। ठीक है जी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 1। अगर शेषफल 0 आएगा तो वर्गखंड है नहीं तो नहीं है। तो इसी से हम शून्य ज्ञात कर लेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0 एक्स बराबर माइनस 1 हाँ बहुपद पी एक्स में रखने पर तो ये देख रहे हैं पी एक्स तो यहाँ हो जाएगा पी माइनस 1 बराबर 2 इन ब्रैकेट माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 यह है। देखो पहला है बहुपद यही है प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ देखोगे माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 का 2 में करेंगे तो माइनस 2 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो यहाँ प्लस है प्लस 1 हो गया, फिर माइनस बाय माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस 1 तो प्लस 2 माइनस प्लस 1 माइनस 1 तो पी माइनस 1 बराबर 0। ठीक है फिर से देख लो इसी तरह चेक करेंगे। देखो जी एक्स है ना तो जी एक्स बराबर इतना है शून्य के निकाल लेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे पक्षांतर करेंगे एक्स बराबर माइनस 1 बहुपद में बहुपद पी एक्स में रखने पर बहुपद पी एक्स में रखने पर रख देंगे तो 0 हो गया तो यहाँ लिख देंगे समझ रहे हैं ना। अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है जब 0 होगा तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से आप दूसरे में एक्स बराबर माइनस 2 रख देंगे चेक कर लेंगे, तीसरे में एक्स बराबर 3 रख के चेक कर लेंगे, अगर शेषफल 0 होता है तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से ये दोनों सवाल आप लोग कर सकते हैं।